दुश्मन बना समाज, प्रेमी जोड़े को बाल काट कर गाँव नहीं आने का सुनाया फरमान, चर्चा का बना विषय। आसम प्रखंड क्षेत्र के झरी पंचायत अंतर्गत बेला बिघा गांव में एक प्रेमी जोड़े के साथ अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है, जहां गांव के मंचलों ने प्रेमी जोड़े को कानून को हाथ में लेकर समाज को कलंकित करने का काम किया है। उक्त गांव के कारू कृषिवान की 19 वर्षीय पुत्री ललिता कुमारी को सलैया थाना के अदरुआ गाँव के रहने वाले 23 वर्षीय धर्मेंद्र रिक्सियान पर दिल आ गया, जिसके बाद दोनों प्रेमी जोड़े ने बलियाड़ी देवी मंदिर में जाकर शादी रचा ली। लेकिन प्रेमी जोड़े की यह शादी गांव वालों को रास नहीं आया। शादी की सूचना मिलते ही दर्जनों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और इस पर एतराज जताया। इसे आहत होकर ललिता कुमारी ने स्थानीय थाने में आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई। मोहब्बत का दुश्मन बना समाज के लोग प्रेमी जोड़े के शादी पर एतराज नहीं जताया, बल्कि प्रेमी जोड़े को सिर का बाल काट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ मंचले तालबीन फरमान सुना रहा है। एक युवक जोर से आवाज लगाकर कहता है कि सुन लो भैया, इस लड़की को गांव आना चाहिए कि नहीं तो सभी लोगों ने नहीं आने का हुंकार भरते हैं। फिर युवक कहता है अगर लड़की गांव आ गई तो कारू भैया यानी लड़की के पिता को सजा मिलनी चाहिए या नहीं तो सभी लोगों ने हाँ की हुंकार भरते हैं। हालांकि घटना से आहत होकर पीड़ित लड़की ललिता कुमारी ने पुलिस से लिखित शिकायत की है, जिसमें उसने गांव के ही महेंद्र माझी प्रकाश भुइया धनंजय कुमार पर गाली गलौज के साथ मारपीट करने तथा कपड़े फाड़ कर अर्धनग्न कर मंगलसूत्र और सोने का चैन छीने का आरोप लगाया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने फौरन घटनास्थल पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तार कर लिया और उत्साह भीड़ से प्रेमी जोड़े को सुरक्षित थाना लाया। वही थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। Ya. 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 Ya.